Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start 16th chapter in your SST book, and the name of your chapter is United Nations. This is your chapter, the United Nations, 16th chapter. So open your SST book, page number 119. Why was United Nations formed? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि United Nation को क्यों बनाया गया है. The United Nations is an intergovernmental organization that promotes world peace. Intergovernmental का मतलब क्या होता है? अलग अलग देशों की सरकारों ने मिलके एक organization बनाई है. किस लिए बनाई है? पूरे वर्ल्ड में पीस यानी कि शांति की स्थापना करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, सब देश जो है मिलजुल के आराम से रहें, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया है. ठीक है. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट एनी सच वर्ल्ड वॉर इन द फ्यूचर. देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म. लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी. ठीक है, कुछ नेशंस ने जो है मिलकर एक ग्रुप बनाया था ताकि वर्ल्ड में फ्यूचर में इस तरीके का कोई वर्ल्ड वॉर दोबारा से ना हो. क्लियर. बट द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस. लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है वो फेल हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है. ठीक है, विच लेफ्ट मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरीवेयर. जिससे हर जगह क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज़्यादा तबाही होती है, नुकसान होता है लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी. यानी कि लोग भी बहुत ज़्यादा मरते हैं, प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ये सारी चीज़ें होती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. The failure of the League of Nations to prevent such man-made calamity led to the United Nations coming into existence. अब ये जो League of Nations थी ये फेल हो गई थी कि इस तरीके का जो man-made calamity थी. man-made calamity मतलब जो इंसान ने खुद, देखो वर्ल्ड वॉर कौन करता है, नेचुरल तो नहीं होता, ह्यूमन बींग्स अपने आप करते हैं. ठीक है, अपनी मर्जी से करते हैं. तो ये जो ऐसी कैलेमिटी, ऐसी आपदा जो ह्यूमन बींग्स ने खुद क्रिएट करी थी, इससे बचने के लिए, क्योंकि जो ये था आपका लीग ऑफ नेशन, ये तो फेल हो गया था. ठीक है, तो फिर इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना की जाती है ताकि फ्यूचर में इस तरीके का डिस्ट्रक्शन रोका जा सके, वॉर्स को रोका जा सके. राइट. द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24th October 1945. ये लर्न रखना है, आपको याद रखना है. ठीक है, कब बना था ये यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन? 24th October 1945 को. इट इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर. ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम हर साल इसको पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं एज अ यूनाइटेड नेशन डे. About 200 countries have become part of the United Nations. लगभग 200 देश जो हैं वर्ल्ड के इस United Nation का पार्ट बने हुए हैं. India was one of the 192 countries who joined the United Nations on 30th October 1945. देखो, भारत भी जो है United Nations का एक मेंबर है. कब बना था? 30th October 1945 को. और टोटल कंट्री कितनी है? 192 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो समझ लेते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर, मेन ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या क्या हैं. मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में शांति को बनाए रखना. डेवलप एंड प्रमोट फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग वेरियस कंट्रीज. अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखना, क्योंकि दो देश हैं, अलग अलग जो देश हैं उनके बीच लड़ाई झगड़े ना हो, फ्रेंडली जो है रिलेशन बना रहे. ठीक है. वर्क टू मेक पीपल लिव बेटर लाइफ्स. इस जो यूनाइटेड नेशन है इस तरीके से इस ओर काम करती है कि लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी दी जा सके. प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंट को बचाया जा सके. ठीक है, इन्वायरमेंट के डिस्ट्रक्शन होने से बचाया जा सके. प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट. पूरे वर्ल्ड में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से हम डेवलप कर सकें, इसके लिए काम करता है यूनाइटेड नेशंस. एलिमिनेट पॉवर्टी, डिजीज़ एंड लिटरेसी. एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना चाहता है. किसको? पॉवर्टी को, बीमारियों को, और इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ता को. ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में क्या काम करता है कि लोग अनपढ़ ना रहें. ठीक है, लोग बीमार ना हों और लोग गरीबी में ना रहें. ठीक है, इस सब चीज़ों के लिए यूनाइटेड नेशंस मिलकर
के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मिलके काम करती हैं। द यूनाइटेड नेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, दे आर द 5 इसके मेन जो है सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसके, मतलब ऑर्गन्स मतलब इसके पार्ट हैं, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सारे नेम आपको लर्न हो जाने चाहिए, यूएन सेक्रेटरिएट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारे इसके क्या हैं, 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, अंग होते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी के हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसी तरह इसके ये अंग हैं, ठीक है, जो अलग अलग काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। सबसे एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले यूएन जनरल असेंबली, यूएन से मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जनरल असेंबली को देखते हैं, इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो जो जनरल असेंबली है इसमें क्या है, जितने भी 192 कंट्रीज हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनका एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सब अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। द जनरल असेंबली मीट्स अंडर द सेक्रेटरी जनरल इन रेगुलर ईयरली सेशन, इसके ईयरली सेशन होते हैं। ईयरली सेशन का मतलब जैसे कि साल में एक बार या साल में दो बार, इस तरीके से ये लोग मिलते हैं, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ दिस सेशन लास्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर टू डिसम्बर, जो मेन पार्ट होता है इस सेशन का कब से कब तक होता है, सेप्टेम्बर से दिसंबर तक होता है। द सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन इज रेज्यूम्ड पार्ट फ्रॉम जनवरी अंटिल ऑल इशूज हैव बीन अटेंड टू। सेकेंड हाफ जो इस सेशन का होता है वो दोबारा से रेज्यूम कब होता है, जनवरी से, और जब तक कोई भी इशू जैसे उसमें चल रहा है, किसी भी इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब तक वो अटेंड नहीं हो जाता पूरी तरीके से, तब तक वो सेशन कंटिन्यू रहता है। द फर्स्ट सेशन वॉज कन्वेंड ऑन 10 जनवरी 1946 इन द वेस्ट मिनिस्टर सेंट्रल हॉल इन लंदन। पहला इसका सेशन कब हुआ था, 10 जनवरी 1946 को, कहाँ पे, वेस्ट मिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में, एंड इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 51 नेशन, और कितने देशों ने भाग लिया था इसमें, 51 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें, रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया था। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जनरल असेंबली इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशंस के जो ये जनरल असेंबली है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। द जनरल असेंबली ऑल्सो अप्रूव्स द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जनरल असेंबली ही जो बजट होता है यूनाइटेड नेशंस का उसको अप्रूव करती है। बजट क्या होता है कि कितना खर्चा ये कर सकते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से पैसे का अलोकेशन होना है, वो सब चीज़ें डिसाइड करता है जनरल असेंबली, एंड डिसाइड्स हाउ मच मनी ईच मेंबर स्टेट मस्ट पे टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी डिसाइड करता है कि जितने भी मेंबर हैं, मेंबर मतलब जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं, वो कितना अमाउंट पे करेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन के काम को चलाने के लिए। ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस डिपेंड ऑन द 2/3 ऑफ द मेजोरिटी वोट, अगर देखो कोई भी डिसीजन लेना है, अब 192 हम कंट्री कह रहे हैं इसकी मेंबर कंट्री है, तो कोई भी डिसीजन लेना है तो कैसे लेंगे, जब 2/3 लोग यानी कि 2/3 लोग की मेजोरिटी होगी, यानी कि 2/3 लोग जब कह देंगे कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वोटिंग करवाई जाती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, 2/3 वोट अगर फेवर में आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। द जनरल असेंबली डिस्कस इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन पीसफुल मैनर, जनरल असेंबली क्या करती है, इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनको डिस्कस करती है, झगड़ों को जो दो कंट्रीज के बीच में या अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो झगड़े हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करती है। द वर्किंग ऑफ यूएन इज बेस्ड ऑन द डिसीजन टेकन बाय द जनरल असेंबली, जो भी वर्किंग है यूनाइटेड नेशन की वो किसके डिसीजन पे बेस्ड होती है, जनरल असेंबली के डिसीजन पे बेस्ड होती है। द सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट देख लेते हैं, द सेक्रेटरिएट सेट्स द एजेंडा फॉर द यूनाइटेड नेशंस डेलिब्रेटिव एंड डिस्कशन मेकिंग बॉडीज ऑफ द यूएन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ दीज बॉडीज। देखो सेक्रेटरिएट का काम क्या होता है, एजेंडा को सेट करना, एजेंडा मतलब कि क्या क्या काम करना है, यूएन डेलिब्रेटिव एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द यूएन एंड इम्प्लीमेंट, देखो डिसीजन किस तरीके से लिए जाने हैं और उन डिसीजन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है, ये सारा काम जो है सेक्रेटरिएट का होता है। द सेक्रेटरी जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, एक सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, जो जनरल असेंबली जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था वो अपॉइंट करती है एक जो है सेक्रेटरी जनरल को, इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट, वो क्या होता है, इस सेक्रेटरिएट का हेड होता है, ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल्स ड्यूटीज इंक्लूड हेल्पिंग रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस,
क्या क्या काम करेगा। देखो ये जो जनरल सेक्रेटरी होगा इसकी ड्यूटी क्या क्या होंगी, अगर इंटरनेशनल कोई भी डिस्प्यूट यानी कोई झगड़ा है किसी कंट्री के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, उनको रिजॉल्व करवाएगा और पीस कीपिंग ऑपरेशंस को एडमिनिस्टर करेगा, शांति बनाए रखने के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं उनको जो है एडमिनिस्टर करेगा, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करेगा इंटरनेशनली, गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसीजन लिए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा ताकि उस उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराया जा सके, एंड कंसल्टिंग विद द मेंबर गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस इनिशिएटिव्स, अलग अलग जो देशों की जो गवर्नमेंट है उनके साथ डिस्कस करेगा ताकि अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में जो है डिसीजन लिया जा सके। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली एंड इज रिकमेंडेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 5-year रिन्यूएबल टर्म। देखो सिक्योरिटी जनरल को कौन अपॉइंट कर रहा है, जनरल असेंबली, ठीक है, और रिकमेंड कौन करेगा उसको, किसको अपॉइंट कर दो, सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, रिन्यूएबल का मतलब है दोबारा से भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। बान की मून इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, द स्ट्रेंथ ऑफ सेक्रेटरिएट स्टाफ विच इज स्टाफ्ड बाय नेशनल्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। देखो जो स्ट्रेंथ है सेक्रेटरी स्टाफ की विच इज स्टाफ्ड बाय नेशनल मेंबर स्टेट्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1549 इन 1949। देखो 1949 में 1549 मेंबर थे, अभी कितना स्टाफ है इनका, 2011 की बात कर रहे हैं, 43,747 सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल। द मेन फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में शांति की स्थापना करना एंड अवॉइड एनी वॉर फ्रॉम टेकिंग प्लेस, और ये कोशिश करना कि किसी भी दो देशों के बीच में वॉर ना हो। इट हैज़ 15 मेंबर स्टेट, 15 मेंबर स्टेट हैं इसकी, आउट ऑफ विच 5 स्टेट मेंबर्स चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर परमानेंट मेंबर। 15 मेंबर्स में से 5 जो मेंबर्स हैं इसके कौन कौन से, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड, यूके और यूएस, ये परमानेंट मेंबर हैं। द अदर 11 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट, दूसरे जो मेंबर्स हैं वो परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है। द 5 परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर ओवर अदर स्टेट्स। वीटो पावर का मतलब क्या है कि वो अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, अगर वो चाहते हैं किसी डिसीजन को रोकना तो अपनी वीटो को इस्तेमाल करेंगे और उस डिसीजन को रोक देंगे, ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर रहती है। द सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन ऑन 17 जनवरी 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ था इनका। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इट इज़ द प्राइमरी जुडिशियल ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये क्या है, देखो जजमेंट क्या कहते हैं हम, न्याय देने के लिए, इंटरनेशनल न्याय देने के लिए एक जुडिशियल, मेन जुडिशियल ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की। इट्स एम इज़ टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज। इसका काम क्या है, कंट्रीज के बीच में जो भी लीगल इशूज़ हैं उनको सेटल करना। इट ऑल्सो गिव्स एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स सबमिटेड टू इट बाय अदर एजेंसीज। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज हैं जो भी इनको लीगल मैटर देते हैं उनको भी एडवाइस करता है ये। इट हैज़ 15 जजेस इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। 15 जजेस हैं इसमें जिनको किसने इलेक्ट किया है, जनरल असेंबली ने एंड द सिक्योरिटी काउंसिल ने, ठीक है। शुड अ जज डाई इन ऑफिस द प्रैक्टिस हैज़ जनरली बीन टू इलेक्ट अ जज इन अ स्पेशल इलेक्शन टू कम्प्लीट द टर्म। अगर कोई जज, देखो उसकी डेथ हो जाती है जब वो वहाँ ऑफिस में है का मतलब जब वो वहाँ का जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सिटिंग जज है, अगर उसकी सेशन के मतलब उसके अपने टर्म के बीच में ही डेथ हो जाती है तो क्या होगा, एक दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे, स्पेशल इलेक्शन होंगे ताकि उसके टर्म को कंप्लीट किया जा सके। मान लो 5 साल के टर्म के लिए उसको जज बनाया गया है, 3 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो बाकी के 2 साल के लिए एक नए जज को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। नो 2 जजेस में भी नेशनल्स ऑफ द सेम कंट्री, कोई भी 2 जज एक ही कंट्री के नहीं हो सकते क्योंकि इसमें अलग अलग कंट्रीज के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो कोई भी 2 जज एक ही कंट्री के नहीं होंगे। द टेन्योर ऑफ द जजेस इज 9 years, कितना समय होता है एक जज का, 9 years। द कोर्ट इज लोकेटेड एट हेग नीदरलैंड्स, कहाँ पे है ये कोर्ट, हेग नीदरलैंड्स में। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इट्स फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक सोशल एंड रिलेटेड वर्क ऑफ 14 UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। देखो इसका काम क्या है, कोऑर्डिनेट करना,
आर्थिक, सामाजिक और उससे रिलेटेड जो भी वर्क है 14 यूएन स्पेशलिस्ट एजेंसीज के, उनको कोऑर्डिनेट करना, देयर फंक्शनल कमीशंस एंड 5 ऑर्गेनाइजेशनल कमीशन. द काउंसिल हैज 65 मेंबर स्टेट्स आउट ऑफ द 193 मेंबर स्टेट. जितने भी हमारी 193 मेंबर हैं टोटल, उसमें से 65 जो है इसके, जो है इस काउंसिल के मेंबर्स हैं. किसके? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के. द सेशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज हेल्ड ईच ईयर इन जुलाई. हर साल जुलाई में इसका जो है इस काउंसिल का एक सेशन जो है स्टार्ट होता है, लगाया जाता है. द टेन्योर ऑफ द 54 मेंबर इज 3 years. ये जो 54 मेंबर्स हैं इसके, इनका टेन्योर टर्म कितना होता है? 3 साल तक ये मेंबर रहते हैं इसके. एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय द जनरल असेंबली. कौन डिसाइड करता है इनकी मेंबरशिप? जनरल असेंबली डिसाइड करती है. द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इको ECOSCO यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो हेड है इज एम्बेसडर रविकांत शिकरे ऑफ रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया. ये इसके हेड है, करंट प्रेसिडेंट है. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर, ये अभी हम चेक करेंगे कि करंट में ये हैं या कौन चेंज हो गए हैं. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ 1-year term. एक साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है. एंड चूज फ्रॉम द स्मॉल और मिड साइज पावर रिप्रेजेंटेड ऑन द, और कहाँ से चूज किया जाता है? जो स्मॉल या छोटी पावर्स होती हैं, ठीक है, छोटे देश जो होते हैं, रिप्रेजेंटेड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में. द ट्रस्टशिप काउंसिल. द ट्रस्टशिप काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन 1945, अ सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑर्गन. द ट्रस्टशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन इन 1994 अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ पलुआ, द लास्ट रिमेनिंग यूएन ट्रस्टी टेरिटरी. देखो इसने काम करना कब बंद कर दिया था? 1994 में, जब पलुआ को इंडिपेंडेंट करा दिया हो गया था, यानी कि उसको स्वतंत्रता मिल गई थी. द लास्ट रिमेनिंग यूएन ट्रस्टी टेरिटरी. द काउंसिल एम्ड एट हेल्पिंग दोज कंट्रीज विच वर नॉट फ्री ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन. इस काउंसिल का क्या काम था? कि उन सभी कंट्रीज़ को फ्री कराना, आज़ाद कराना, जो भी जो यूएन के एस्टेब्लिशमेंट के दौरान फ्री नहीं हो पाई थी. दिस काउंसिल वॉज हेडेड बाई माइकल डगलस. माइकल डगलस इसके हेड थे. एजेंसीज ऑफ द यूएन. द वेरियस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वर्क विद द यूएन नेशन. अलग अलग जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज काम करती हैं यूएन नेशन के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ. The UN has total 15 agencies. All these agencies aim to maintain peace. देखो काम क्या क्या है इनका? पीस मेंटेन करना, eradicate diseases, बीमारियों को ख़त्म करना, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना और एनकरेज करना पीस अमंग कंट्रीज, यानी कि देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में शांति को एनकरेज करना, बढ़ाना, बढ़ावा देना, ये सब इन एजेंसीज के काम हैं. द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम यूनेस्को कहते हैं. यूनेस्को वॉज एस्टेब्लिश इन 1946. कब बनाया गया यूनेस्को? 1946 में. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पैरिस. कहाँ पे है हेडक्वार्टर इसका? पैरिस में, फ्रांस में. यूनेस्को एम्स टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी. क्या काम करता है यूनेस्को? पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने का काम करता है. इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एडुकेशन. ठीक है, इंसानों की पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, इस चीज़ को हाईलाइट करता है. ठीक है, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देता है ये. इट ऑल्सो एनकरेजेस इंटरनेशनल कॉपरेशन अमंग स्कॉलर, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट. इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है एनकरेज करता है अलग अलग कंट्रीज़ के स्कॉलर्स, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट के बीच में. यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड. इट वॉज फॉर्म्ड इन डिसम्बर 1946. कब बनाया गया था यूनिसेफ? दिसंबर 1946 में. द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी. न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का. इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंट टू चिल्ड्रन एंड मदर इन डेवलपिंग कंट्रीज. जो भी डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि प्रगतिशील जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे महिलाओं को और उनके बच्चों को, यानी कि माओं को और उनके बच्चों को डेवलपमेंट असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवता से रिलेटेड उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है बच्चों के लिए, उनकी माओं के लिए. इट वर्क्स टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम एडुकेशन. किस क्या काम करता है ये? बच्चों को, बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करता है ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके. इन इंडिया यूनिसेफ रन्स आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स. भारत में यूनिसेफ क्या करता है? आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स को रन करता है. आंगनवाड़ी सुनी है आप सबने, ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स को कौन रन करता है? यूनिसेफ रन करता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO बोलते हैं शॉर्ट में इसको. WHO वॉज एस्टैब्लिश ऑन 7 अप्रैल 1948. कब एस्टैब्लिश किया गया था यूनिसेफ? 7 अप्रैल 1948 को. द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज इन जनेवा स्विट्जरलैंड. जनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं.
इट इज़ कंसर्न विद इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ. इसका काम क्या है? पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना, ठीक है, लोग बीमार ना हो, लोग हेल्दी रहे, ये सारे काम हैं इसके. इट ऑल्सो प्रमोट्स प्रिवेंशन टुवर्ड्स एपिडेमिक्स एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इशूज़ लाइक मलेरिया, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. देखो इसका काम क्या है, एपिडेमिक्स, कोई भी महामारी है, ठीक है, उसको उसके लिए बचाव करना, ठीक है. कोई महामारी, जैसे अभी कौन सी महामारी फैली हुई है, करोना, ठीक है, तो उसको रोकथाम करना काम है किसका, WHO का. और हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जैसे कि मलेरिया, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, TB, इन सब बीमारियों की रोकथाम करना. द करंट हेड ऑफ WHO इज मार्गरेट चान. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन रूरल एंड मैन मेड एमरजेंसीज इज टू कोऑर्डिनेट विद द मेंबर स्टेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू रिड्यूस अवॉइडेबल लॉस ऑफ लाइफ एंड द बर्डन ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी. देखो काम क्या करता है वर्ल्ड, ये जो WHO है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया कहीं, ठीक है, कोई भी महामारी जैसे फैल गई है, या फिर कोई भी ह्यूमन मेड इमरजेंसी है, तो वहाँ पे जो भी इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ताकि जो भी नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके और बीमारियों का, डिसेबिलिटी का जो बर्डन है उसको कम किया जा सके, ठीक है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, FAO वॉज फॉर्म्ड ऑन 16 अक्टूबर 1945, ठीक है. इट्स हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन क्वेबेक सिटी कनाडा, क्वेबेक सिटी कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है. FAO प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज इंप्रूव एंड मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी विद गुड न्यूट्रिशन. अब देखो इसका काम क्या क्या है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और जो भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे खेती बाड़ी है, ठीक है, फॉरेस्ट्री है या फिर फिशरीज है, इन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट लाना, जो भी गरीब कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि ये इन सब कामों को और ज़्यादा ढंग से कर सके, अच्छे तरीके से कर सके. फूड सिक्योरिटी के इंश्योर करता है ताकि लोगों को जो है अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिल सके. इट्स मोटो फेट पैनिस इन लैटिन मीन्स लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि सबके पास भोजन हो, सबके पास खाने के लिए रोटी हो. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, 185 ऑफ द 193 UN member states आर मेंबर्स ऑफ द ILO. 193 में से 185 कंट्रीज जो हैं ILO की मेंबर्स हैं. ILO works towards the betterment of workers and improvement of standards for the working class. इसका काम क्या है, जो भी working class है, यानी कि काम काज करने वाले जो लोग हैं, उनकी हालात को, उनके standards को better करना, improve करना इसका काम है. It works towards maintaining labor standards and social protection. इसका काम क्या है, labor standards को, मजदूरी के जो standards हैं उनको maintain करना, social protection देना इन लोगों को, workers को. In 1998, the ILO adopted a declaration. That declaration contains four fundamental policy. 1998 को इसने एक declaration जो है adopt की थी, four fundamental policies जिसकी, they are the right of workers to associate freely, यानी कि वो free होके, जो भी मजदूर हैं, जो भी workers हैं, वो free होके अपनी association बना सकते हैं. The end of bonded labors, मतलब बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते किसी से. द एंड ऑफ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लेबर्स, लेबरर्स के बीच में, मजदूरों के बीच में किसी भी तरीके का अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, उसको ख़त्म करना. नो चाइल्ड लेबर, बच्चों से कोई भी मजदूरी ना कराई जा सके, ये इंश्योर करना. अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस देखें, क्या क्या जो है अचीव किया है यूनाइटेड नेशन ने. द यूनाइटेड नेशंस हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग वेज. द UN's वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कंसंट्रेट्स ऑन फीडिंग पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर एंड अदर हेल्थ एमरजेंसी. देखो इसका काम है कि लोगों को भोजन पहुँचाना, कब, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई भूकंप है, बाढ़ है, ठीक है, इस तरीके की नेचुरल डिजास्टर है, तो लोगों को खाना पहुंचाना और हेल्थ इमरजेंसी में लोगों तक भोजन पहुंचाना, हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाना. इट आल्सो प्रमोट्स रिफ्यूजी जो भी है, ठीक है, रिफ्यूजी क्या होते हैं, पलायन करके जो जाते हैं किसी भी रीज़न से, उनको जो है प्रोटेक्ट करना. इट वर्क्स टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये इसका काम है. इट प्रमोट्स एंड एनकरेजेस पीसफुल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के बीच में शांतिपूर्ण रिश्ते बने रहें, इस ओर काम करता है. इट फाइट्स फॉर द राइट ऑफ पीपल इन द कंट्रीज
अंडर डिक्टेटरशिप रूल, ऐसी कंट्री जहाँ पे अभी भी तानाशाह रूल है, ठीक है, वहाँ पे लोगों के राइट के लिए ये आवाज़ उठाता है, लड़ाई लड़ता है। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस, इंडिया हैज़ गिवन इट्स फुल कॉपरेशन विद द टास्क कंडक्टेड बाय यूएन। भारत जो है अपना पूरा सपोर्ट देता है, पूरा समर्थन देता है, कॉपरेट करता है यूएन के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट यूएन फॉर द यूसेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट यूएन फॉर द यूसेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस। इंडिया जो है यूएन को इसलिए भी सपोर्ट करता है यूएस जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूसेज के प्रति, ताकि जो है पीस मेंटेन रखा जा सके। इंडिया हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द पीस ऑपरेशन कंडक्टेड बाय यूएन एजेंसी। जो भी शांति के कार्यक्रम यूएन एजेंसी चलाते हैं उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इंडिया ऑल्सो सेंट इट्स फोर्सेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड फॉर प्रमोटिंग पीस। अलग अलग जगह पे शांति की स्थापना करने के लिए भारत भी अपनी फोर्सेज को भेजता है, ठीक है, क्लियर। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, अलग अलग जो इसके ऑर्गन्स हैं इसको हमने डिटेल में स्टडी किया, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स क्या हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, मेन फंक्शंस इनके क्या हैं, ये सब चीज़ें हमने स्टडी करी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 16th चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ केंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से, क्लियर। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये क्वेश्चन आते हैं। फंक्शंस क्या हैं अलग अलग ऑर्गन्स के, ठीक है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, ये सब चीज़ें, क्लियर।